शीमा मेरा एक क्वेश्चन मार्क मुस्लिम इमिग्रेशन आज तक यूरोप तो मुसलमान immigre... जो है वो में लेने के अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं, मु, मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ है, मुझे अगर से इतनी नफरत है मुझे अगर क्रिस्टियनिटी से इतनी, बड़ी न, इतनी नफरत है क्वेश्चन हर, हर मुसलमान से यहां पूछा है। जवाब आपफेट्री नहीं कहते हैं जी मेहनत करने आए मजदूरी करने हैं। तो सऊदी अरब जाओ जाकर जूतियां फ्री खाओ न आपको पता ही है सऊदी अरेबिया के लिए आप आपके लिए मखसूस अल्फाज है उनके कल्चर में, उनकी जबान में आपको गरीब मस्किन कहा जाता है आपको तो फिर तो। आप वहां जाए मजदूरी करनी है आप यहां क्या लेने ये तो क्रिश्चियन कंट्री मैं चीमा साहब यहां ला स्कूल गया था तो मेरे ला प्रोफेसर बताते थे कि यहां के रिलीजन के यहाँ पे लाके कवानीन के ऊपर कैथोलिक रिलीजन की ठाप है तो फिर यहां आप लेने के आते हैं आप, आपने ज, रहना इन मुल्कों में है लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना आपने बर्तानिया को बैंक कर दिया आठ आठ बच्चे पैदा करके वहां पर काम नहीं करना आपने इंटीग्रेट नहीं करना आपने तो चीमा साहब उनका कसूर है कि आपका अगर आपका कसूर है पेरिस ने आपने पेरिस को क्या दिया है आज तक वहां पे मुसलमान मेरा ये क्वेश्चन मार्क मेरे साथ कोई बंदा डिबेट करे मैं ये चैलेंज करता हूं आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन ने दुनिया को अभी तक दिया क्या है क्या दिया किसी वेस्टर्न मुल्क को कुछ दिया है। मेरा ये चैलेंज अब वो तंग आ चुके हैं मैंने उस बंदे की पूरी स्पीच सुनी है वाइल्डर की जो हाँ, डच है उसने कहा है, जिन घरों में ये बैठे हैं उससे सबसे पहले डच डीज का हक है जो जाबे छीन रहे हैं उन पर सबसे पहले डच डीज का राइट है आपको तलियों पर उठाते हैं वो पोलिटिकल के चक्कर में कैनेडा अभी भी उठा रहे हैं फिर आप वहां रहते हैं फिर यू बैड माउथ एट द सेम टाइम और फिर आप कहते हैं इस्लाम, है में, में, मेरी, है। मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है वहां पर आप कहते हैं उठ के जाके लंदन को जाके आपने पूर, आपने पूरे इंग्लैंड का नाम चेंज करना चाहते हैं आप मैंने वो सुना है चौधरी साहब है आपके वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट है हमेशा वो कहते हैं हमने इंग्लैंड का नाम चेंज करके इस्लामिस्तान रखना या पता नहीं कोई इस तरह कर बात और यार जहाँ की आप जहाँ की पैदावार वहां पर तो देखो वहां लाते हैं इस्लाम के क्या है वहां पर वहां सारा मुल्क जो मेरे मुझे कल किसी ने मीम किया था उसने कहा था अब तक इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ सिर्फ सूर ही हमसे बच सका है शराब जना रिश्वत करप्शन हर चीज हमने कर ली सिर्फ एक चीज हमसे बची हुई है वो सूर ऐसे वो पता नहीं किस तरह बच गया है मेरा मकसद दो दिन पता नहीं मुसलमाना कितनी नफरत है लेकिन दूसरा हर काम मुसलमान कर रहे हर काम हर काम तो चीमा साहब इस्लामिक इमीग्रेष्ठ जिस तरीके से है और दूसरा एक और बात है चीमा साहब आपकी भी बड़ी सख्त मेहरबानी है जितने पढ़े लिखे और ढांके लोग हैं वह पाकिस्तान बै जाते हो जिन्हें सारे जो जा जो अठवीं फेहल अमरीका भेज देंगे उसको कहते जा बलैत पैसे कमा चुबारा बनाना दो चोरिया बना इलैक्शन लड़ना तेरे वे भरा ने तो बेटा तू जा यूरान चला जा ग्रीस चला जा फिर उत्त की कर आप अब कहते हैं वाइल्डर तो कड़ दिन फिर वाइल्डर वाइल्डर क्या करे वाइल्डर क्या करे चीमा सब जर्मनी क्या करे अब मेर, मेरा क्वेश्चन है अब जर्मनी क्या करे आपने दुनिया को इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए हैं आप घुटनों पर ले आए माफिया मांग रही दुनिया आपसे कहते खुदा आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचे या हमें दे दें इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाए पाकिस्तान आपके लोगों ने वो बेची वहां पे सिटीजन वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए आप लमसम पैसे इतने इतने लाख पाउंड ले लें एंड प्लीज गेट द है

कब्रस्तानों के लोग अंदर भेजे जाली कब्रें निकली जाली जाली कब्रें बना बना के भी आपने क्लेम यहां से लिए अब वो डी कराती है। वो डीएनए हैं है सैंपल मुर्दे चीमा साहब वाहि मुल्कों में से पाकिस्तान एक वाहि मुल्कों में से मुल्क है आप जब इमिग्रेशन यहां पर अप्लाई करते हैं आपके बच्चों का डीएनए कराया जाता है क्योंकि आपने एक बंदे ने यहां से बीस बीस बच्चे अपने गांव के सारे रिश्तेदारों के यहां पे इमिग्रेट माइग्रेट किए अब आप कहते हैं वाइल्डर आपके साथ क्या करेगा को अब ये माफिया मांगने पे आ चुकी है आपसे करते क्या है अठारह अठारह बच्चा पैदा करते हैं स्कूल नहीं भेजना उनको स्कूल नहीं भेजना सोशल पे लगा दिए सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं। चीमा साहब यूरोपियन मुल्कों के अंदर सिंगल वुमेन को ज्यादा खर्चा मिलता है पेपरों में डाइवोर्स दे देते हैं बाप बच्चों को बताया जाता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर आए तो उसको कहना ये तुम्हारी माँ का बॉयफ्रेंड है इन्वेस्टिगेटर्स को कहते हैं oh. तो मदर इज है सिंगल है तो उसको पैसे साहब वाइल्डर वहां क्या करेगा क्या करेगा mm. और फिर आप उनके ऊपर एक और मैं आपको तड़का बताता हूं अब मैं तड़का बताता हूँ ना चेरी कादरी ने फिर बड़े खूबसूरत तरीके से यूरोप में गया। उन्होंने कुरान की तालीम बड़े खूबसूरत like like और और की बात है सबसे बड़ी बात है। उनकी जो अब सुना फिर तुम्हारा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे पाकिस्तान में वो और उनके फॉलोअर कौन है आपके इलाके के लोग जो सारे यूरोप में सेटल हैं उनके रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सारे उनके फॉलोअर है देखें ये कौन की